हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टूर ओवरव्यू में। दोस्तों, आज हम आप लोग को बिहार राज्य के दरभंगा जिला में ही निर्मित एक अद्भुत मंदिर के बारे में बताएंगे, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा पहले शमशान घाट था। दोस्तों, चलिए मैं आपको इसके बारे में पूरा हिस्ट्री बताता हूँ कि आखिर क्या मिस्टेरियस है इस मंदिर के, जो इसको इतना प्रसिद्ध और प्रचलित पूरे बिहार में बना रहा है। दोस्तों, इस मंदिर की खास बात यह है कि यह शमशान घाट पर बना है। दोस्तों, यहाँ पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ हमेशा रहती है, खासकर नवरात्रि के समय में तो यहाँ पे खड़े रहने की जगह भी नहीं मिलती। दोस्तों, इस मंदिर में वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से पूजा की जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक सरोवर है, जिसमें हमेशा बोटिंग की सुविधा रहती है। दोस्तों, महाराजा रामेश्वर सिंह, जो कि दरभंगा जिला का एक साधक राजाओं में से थे, उनके जब देहांत हुआ तो उनका जहां पे अंतिम क्रिया किया गया, जिस शमशान घाट में, उसी शमशान घाट में उसी के चिता पर उनके बेटे कामेश्वर सिंह ने पेरिस से काली जी की मूर्ति लाके उनके चिता पर ही मंदिर का निर्माण कराया गया, जो अभी श्यामा माई मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, इस मंदिर की स्थापना सन 1933 में कामेश्वर सिंह ने किया था। दोस्तों, कारण यह है कि रामेश्वर सिंह की चिता पर जब इस मूर्ति का निर्माण हुआ, इसलिए इस मंदिर का नाम रामेश्वरी श्यामा मंदिर के नाम से भी प्रचलित है। दोस्तों, हिंदू धर्म के अनुसार जिसकी शादी होती है, जो शादी का जोड़ा होता है, वो एक साल तक कहीं भी शमशान घाट में नहीं जाती है। लेकिन यह शमशान घाट में जो यह मंदिर बना है, माँ श्यामा का मंदिर, यहाँ पे नवविवाहित जोड़ों न कि यहाँ पे शादी करवाने के लिए भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं। इसी कारण से इस मंदिर को काफ़ी प्रचलित बनाता है। दोस्तों, इस मंदिर में ही स्थित माँ काली की जो प्रतिमा है, जिसे पेरिस से लाया गया है, इस प्रतिमा में चार भुजा है, जो कि यह दर्शाता है कि माँ का अपने भक्तों पर चारों दिशाओं से आशीर्वाद बन रहा है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक बार इस मंदिर का परिदक्षिणा, इस मंदिर की दिव्य दर्शन जरूर करें और इस मंदिर का आनंद लें। Silent.
बराबर है, इसमें अब वोटिंग की सुविधा दी गई है। देखिए हमारे बबलू भाई तो पहले ही वोट में जाके बैठ गए, न इसके टिकट का प्राइस पता है इनको, न क्या मतलब इसका क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, उसके बारे में कुछ जाने बिना ही हमारे मोटू भाई पहले ही बैठ गए। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ के जो ऑनर है इस वोट के जो ऑनर है उनसे बातें करते हैं कि क्या रूल्स है इस वोट में करने के लिए, क्या रेगुलेशंस है और क्या नियम एवं शर्तें हैं यहाँ की, कितनी प्राइस है। देख सकते हैं कि सेफ्टी के लिए यहाँ पे जैकेट भी पहनाया जाता है, जो कि हमारे बबलू भाई अभी तक जैकेट भी नहीं पहने हैं। आइए हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ के जो ऑनर है, यहाँ के जो ये चलाते हैं इसको, जो रूल रेगुलेशन के तहत चलाते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि क्या क्या है। प्रणाम भैया, एक्चुअली ये जो सोवर है इसमें जो आप लोग वोटिंग की सुविधा देते हैं उसमें क्या टिकट की क्या प्राइस है और टाइम कितना है? मतलब जैकेट भी और प्लस उसके लिए आप लोग बॉय को जो तैराकी होते हैं उसको अलग से रखे हुए हैं, और ऑक्सीजन का भी देख सकते हैं, ऑक्सीजन भी यहाँ पे मतलब उपलब्ध किया गया है, हर सेफ्टी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। चारों साइड आप कैमरा के निगरानी में होंगे, आप जो वोटिंग के जो यहाँ सुविधा देता है वहाँ पे चारों साइड कैमरा लगा हुआ है, आप पे निगरानी रहेगी। अच्छा सर, इसका टाइमिंग क्या रहता है, मतलब कितने देर तक? 20 मिनट आप लोग आइएगा तो इसमें 20 मिनट तक आप इस सरोवर में जितना मन हो 20 मिनट तक आप तैर सकते हैं। यहाँ पे हर चीज़ का मतलब सुविधा दी गई है, कोई भी खतरा होगा तो यहाँ पे हर चीज़ के लिए पहले से ही स्टाफ मौजूद रहेगा। तो चलिए और हम यहाँ की और चीज़ें के बारे में जानते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रही है तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें ताकि हम लोग को मोटिवेट मिल सके। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह YouTube चैनल टूर ओवरव्यू आपको जितने भी हिस्टोरिकल, जितने भी मिस्टेरियस पैलेसेस हैं जो अपने धर्म, अपने ग्रंथ से रिलेटेड रखता है, उन सभी चीज़ों के बारे में ओवरव्यू करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और हम लोग को मोटिवेट कर दें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमारा बहुत सारा भला हो सकता है, तो प्लीज़ हम लोग को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। थैंक यू।